हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. माय नेम इज हरदीप. तो आज हम कर रहे हैं साइंस का एक टॉपिक है आपका, ठीक है? उसके मतलब कि साइंस का टॉपिक है, इसमें आप साइंटिफिक डिवाइसेस के नेम बताने हैं. और ये स्पेशल वन किन के लिए है? सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए. अब सैनिक स्कूल की तैयारी कौन कौन करते हैं? जैसे फिफ्थ और एट्थ क्लास के स्टूडेंट हैं, तो उनको चांस मिलता है अभी सैनिक स्कूल की, अगर वो तैयारी करना चाहते हैं. तो जिन माँ बाप का सपना है अभी वो अपने बच्चों को सैनिक स्कूल के लिए प्रिपेयर करें, वहाँ पर पढ़ाएं, तो वो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके अच्छे से जानकारी ले सकते हैं. तो आप अपने बच्चों को अगर सैनिक स्कूल की तैयारी करवाना चाहते हैं तो लक्ष्य करियर अकेडमी के ऊपर इस नंबर पर कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन कीजिए और अच्छे से जानकारी लीजिए, ठीक है? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है आपका सैनिक स्कूल के स्टूडेंट के लिए. साइंस का टॉपिक है साइंटिफिक डिवाइसेस, ठीक है जी? और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बेसिक जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं उनके नाम मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, कैसे कैसे उनका यूज़ किया जाता है वो बताया है, और किस तरह से सैनिक स्कूल के स्टूडेंट्स का जो एग्ज़ाम होता है उसमें किस तरह से इसमें क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी? वो आपको बताते हैं साथ के साथ भी कैसे होंगे, ठीक है? जैसे आपके पास ये गिवन दे रखी हैं साइंटिफिक डिवाइसेस के नाम दे रखे हैं, तो मैंने अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो वो बेल आइकन पे प्रेस करके आप इसके जो फर्स्ट पार्ट है उसको देख लीजिएगा. उसके बाद इसका सेकंड पार्ट है जो साइंटिफिक डिवाइसेस के नेम है, ये हैं आपके पास. तो फर्स्ट वन आपके पास है एमीटर. अब कहता है जो आपके पास एमीटर है, आपके पास गिवन क्वेश्चन वहाँ पे दिया भी होगा कि एमीटर क्या है, क्या काम करता है. तो मेजर इलेक्ट्रिक करंट, या गिवन क्वेश्चन होगा भी इलेक्ट्रिकल करंट को मेजर करने के लिए कौन सी साइंटिफिक डिवाइस का यूज़ किया जाता है. तो आपको आंसर में मेंशन होंगे ऑप्शंस, तो वहाँ पे आपको करना है क्लिक एमीटर पे. भी जो एमीटर एक ऐसी साइंटिफिक डिवाइस है जिसका यूज़ किसके लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए किया जाता है. तो इस तरह से आपके पास क्वेश्चन होंगे, भी दे रखा होगा भी एमीटर क्या होता है, उसमें ऑप्शन होंगे, ठीक है? तो उसमें से इलेक्ट्रिक करंट वाले भी आपको क्लिक करना है. और यहाँ से दे रखा होगा इलेक्ट्रिक करंट को किसमें मेजर किया जाता है, तो आपको ऑप्शन में वो दे रखा होगा ऑप्शंस में एमीटर, तो उस पर आपको एमीटर में क्लिक करना है इस तरह से, ठीक है जी? तो इस तरह से आपके पास साइंस स्कूल का जो एग्जाम होता है उसमें साइंस के जो टॉपिक्स हैं साइंटिफिक डिवाइस उसमें से इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. तो इस तरह से आपको टॉपिक उठाना है उसमें से, ठीक है? क्वेश्चन पुट करने हैं. तो फर्स्ट वन आपका हो गया एमीटर. सेकंड वन इसमें दे रखा है एक्यूमुलेटर्स क्या होता है. अ डिवाइस स्टोर इलेक्ट्रिसिटी, एक ऐसी डिवाइस जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करके रखा जाता है उसको बोलते हैं एक्यूमुलेटर, ठीक है जी? थर्ड वन आपको दे रखा है ऑडियोमीटर. ऑडियोमीटर कहता है क्या काम करता है, टू मेजर इंटेंसिटी ऑफ साउंड, मतलब कि आपकी साउंड की इंटेंसिटी को जो मेजर करता है डिवाइस उसको बोलते हैं ऑडियोमीटर, ठीक है जी? उसके बाद दे रखा है बाइनोक्यूलर्स क्या होता है, एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मैग्नीफाइंग व्यू ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, मतलब के दूर के आपके जो दूर पे ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, उनको क्या करना, देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का आप ऑप्टिकली यूज करते हो उसको बाइनोक्यूलर्स बोलते हैं. उसके बाद नेक्स्ट वन है जी आपके पास इलेक्ट्रोस्कोप. इलेक्ट्रोस्कोप क्या काम करता है, डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है वो कौन सी डिवाइस से करते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप्स की हेल्प से. उसके बाद है आपके पास मैनोमीटर्स. मैनोमीटर्स क्या काम करते हैं, यूज टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर. एटमोस्फेरिक प्रेशर की मेजरमेंट्स के लिए किसको यूज किया जाता है, मैनोमीटर्स को यूज किया जाता है. उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास क्या दे रखा है, माइक्रोफोन. माइक्रोफोन क्या काम करता है, कन्वर्ट साउंड वेव्स इंटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, मतलब कि जो डिवाइस आपके पास साउंड्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है वो किस डिवाइस की हेल्प से आपको पता चलता है, माइक्रोफोन्स की हेल्प से. उसके बाद नेक्स्ट वन आपके पास दे रखा है माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप्स क्या काम करते हैं, यूज टू ऑब्टेन अ मैग्नीफाइंड व्यू ऑफ अ स्मॉल ऑब्जेक्ट. स्मॉल जो आपके पास बिल्कुल छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके मैग्नीफाइड व्यू, मतलब उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप को. बहुत ज्यादा स्मॉल छोटे टाइनी पार्टिकल्स होते हैं उनको देखने के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोस्कोप. ऐसी डिवाइस का यूज करके हम छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स को देख सकते हैं, ठीक है जी? तो आपके पास ये फर्स्ट पार्ट में आपके पास 8-9 जो मैंने साइंटिफिक डिवाइसेस करवा दी हैं. नेक्स्ट दिन आपके पास बाकी ये रही, तो बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, इंपॉर्टेंट सी हैं जो आपके पेपर के अंदर आ सकती हैं. तो आपको किस तरह से अटेम्प्ट करनी है वो मैंने आपको बता दिया, किस तरह से क्वेश्चन उसमें आ रखे होंगे, ठीक है जी? बिल्कुल बेसिक्स ही हैं, आप एक बार से फिर देख लीजिए.
फर्स्ट में दे रखी है मीटर, सेकंड है एक्यूमुलेटर, थर्ड है ऑडियोमीटर, फोर बायनोक्यूलर्स, उसके बाद दे रखे इलेक्ट्रोस्कोप, उसके बाद मोनोमीटर्स, उसके बाद माइक्रोफोन, उसके बाद माइक्रोस्कोप्स। भी ये आपके पास साइंटिफिक डिवाइसेस हैं, ये कैसे कैसे काम करती हैं। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया टॉपिक। अगर आपको ये आप वीडियो अच्छी लगी है, ठीक है जी, फर्स्ट पार्ट भी देखिएगा इसका, सेकंड पार्ट भी देखिएगा, दोनों पार्ट को अच्छे से देखिएगा, ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक है, इसमें से आपके क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं एग्जाम्स के लिए, चाहे स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल लक्ष्य ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।